नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स एग्जाम सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 59 में, जिसकी परीक्षा जो है 14 मई 2023 को निर्धारित है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के घंटे को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इसे पिछला टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं 58 तक, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट में आपको 2022 तक, यानी 2009 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर्स के साल पेपर भी आपको देखने को मिलेगा वीडियो, और वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो उसको भी देखना चाहें तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन लिया गया है जनगणना से उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है यूपी से इस बार के एग्जाम में, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। 2011 के जनगणना के अनुसार किसमें सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला पूछा जा रहा है? गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, लखनऊ। इसमें क्या आंसर होगा? तो इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका ए, गाजियाबाद। यानी 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। तो ए इसका राइट आंसर होगा, गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर दो पर आते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है। तो यहां भी 2011 के अनुसार पूछा है, तो यहां पर पूछा है महिला और पुरुष का अनुपात। ऑप्शन देखिए दिया है 836, यहां पर 1000 होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है। 836 प्रति 1000, 912 प्रति 1000, 898 प्रति 1000, 950 प्रति 1000। तो इसमें क्या आंसर होगा सही? तो इसमें जो राइट आंसर है, यहाँ पर पूछा है उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात, यानी लिंगानुपात है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं। तो 912 प्रति 1000 महिला पुरुष अनुपात, तो बी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर तीन पर आते हैं, तीसरा नंबर देखिएगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर या गौतम बुद्ध नगर। तो कौन सा है इसमें ये पूछा जा रहा है? तो इसमें जो राइट आंसर है वह है बी, गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है ऑप्शन के अनुसार वह है गाजियाबाद। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर आते हैं चार नंबर पर, देखिएगा चौथा नंबर है। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय, यहाँ पर पूछा जा रहा है धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है, दिया है बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख। तो ऑप्शन के अनुसार जो है इसमें सबसे जनसंख्या का तीसरा स्थान पूछा जा रहा है किसका है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका डी, सिख का। सिख जो है तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर आते हैं पाँचवा नंबर पर, पाँचवा नंबर देखिएगा। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता पूछा जा रहा है। 2011 के अनुसार जो है उच्चतम साक्षरता है, कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है? गाजियाबाद, महोबा, कानपुर नगर या वाराणसी। इस ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि उच्चतम साक्षरता कहाँ पर है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है सी, कानपुर नगर में। उच्चतम साक्षरता कहाँ पर है? कानपुर नगर में। तो सी इसका राइट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर छः पर आते हैं, छठा नंबर देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या इटावा। तो इसमें जो राइट आंसर है
वो है आपका सी गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक यहाँ पूछा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला अगर जिला पूछता है तो वह है गौतम बुद्ध नगर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 का सॉरी 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न चार राज्यों का सही अवरोही क्रम है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया गाजियाबाद पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया है गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया इटावा दूसरा ऑप्शन है। सी ऑप्शन दिया है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, कानपुर नगर। और डी ऑप्शन है गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया और गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर पूछा है कि सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले चार जिलों का सही अवरोही क्रम यहाँ पूछा है। तो इसमें जो अवरोही क्रम है वह है आपका बी वाला, गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद कानपुर नगर, औरैया, इटावा। तो सातवां का जो राइट आंसर है वह है बी ऑप्शन, इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, आठवां नंबर देखिएगा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले चार जिलों का सही अवरोही क्रम है। वहाँ पर ऊपर पूछा था औसत, यहाँ पर जो है सर्वाधिक साक्षरता वाले चार जिलों का सही अवरोही क्रम, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा इसका भी सेम वही होगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, 9 नंबर देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर में से कौन सा सही है, सही के अनुसार आपको जो यहाँ कूट में से आंसर आपको बताना है। देखिए पहला दिया है यहाँ पर कूट, न्यूनतम साक्षरता दर जिला श्रावस्ती, ये तो सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया, गलत है। न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला ललितपुर है, ये भी सही है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, ये गलत है। यानी पहला और तीसरा कथन आपका सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, 10वां नंबर देखिएगा। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है, 912, 902, 916 या 899। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका बी 902। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बालकों पर शिशुओं का, बालिका शिशुओं का पूछा है, तो बालिका शिशुओं का 902 है। 1000 बालकों पर कितने शिशु हैं यानी बालिका का, तो 902, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 नंबर देखिएगा। 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही, कितना जनसंख्या वृद्धि दर रही ये पूछा जा रहा है। दिया है 20.46%, 17.69%, 22.19%, 20.22%। इसका जो राइट आंसर है वह आपका डी सही है, 20.22%। 10 सालों में जनसंख्या बढ़ी है उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर आते हैं, कूट मिलाने वाला 12 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित सही कूट का चयन कीजिए, प्रयागराज, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका ए वाला ऑप्शन सही है, पहले प्रयागराज, इसके बाद मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, लास्ट में लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, 13 नंबर देखिएगा। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, औरैया। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका ए गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछा है क्या सही नहीं है। तो 14 में जो राइट आंसर है वह आपका सी वाला ऑप्शन है, इसकी 10 की वृद्धि 17.7% रही, ये सही नहीं है। अभी बताएं इसका 10 की वृद्धि जो है 20.22% है, यहाँ पर दिया है, तो यही वाला ऑप्शन आपका गलत है। इसके अलावा इसका लिंगानुपात 912 तो सही है, 16.5 निवास करती है देश की जनसंख्या का, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, 15 नंबर देखिएगा।
2011 के अनुसार कूट से सही आंसर आपको बताना है, 15 नंबर कौन सा सही है। क्षेत्रफल में देश का पांचवा बड़ा राज्य, तो गलत है, पांचवा बड़ा राज्य नहीं है, गलत है। दूसरा दिया है देश की जनसंख्या का इसका 16.5% योगदान है, तो सही है, दूसरा सही है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये भी गलत, अधिक नहीं है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये तो सही है। यानी दूसरा और चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, दूसरा चौथा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, रामपुर। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका डी, रामपुर में, रामपुर में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, 17 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, 18 नंबर देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी। इसमें जो राइट आंसर है वह है आपका ए, गौतम बुद्ध नगर, जिला पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही नगरों की संख्या कितनी है, 10 लाख ही नगरों, 5, 7, 10, 11। इसका जो राइट आंसर है वह है बी, 7, 10 लाख ही नगर हैं उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 20 है और अंतिम क्वेश्चन है आज के लिए, 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर। इसका जो राइट आंसर है वह है बी, महोबा। तो ये थे क्वेश्चन आज के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।